हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीजल लोकोमोटिव्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है डीजल लोकोमोटिव? डीजल लोकोमोटिव्स आर कॉमनली यूज इन नंबर ऑफ माइंस। बहुत सारी माइंस में डीजल लोकोमोटिव्स यूज होता है। वेट वेरीज फ्रॉम 3 टन टू 15 टन्स एंड पावर फ्रॉम 50 किलोवाट टू 75 किलोवाट। ये पावर यूनिट इज डीजल इंजन। ठीक है, डीजल इंजन डीजल लोकोमोटिव है, डीजल इंजन लगा होता है। लोकोमोटिव यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस है पावर यूनिट इन फ्रेम टू एनक्लोजर एज सेफ गार्ड अगेंस्ट इग्निशन ऑफ फायर डैम। ठीक है, जो डीजल लोकोमोटिव होता है, ठीक है, उसमें पावर यूनिट जो होती है, यानी डीजल इंजन जो होता है, एक फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर यानी कि एक बॉक्स होता है। ठीक है, जो फ्लेम प्रूफ होता है, जो उसके अंदर होती है डीजल इंजन। ठीक है, जो पावर यूनिट होता है जो कि आपका इग्निशन फायर डैम पे इग्निशन से बचाता है डीजल लोकोमोटिव्स को। इन कोल माइंस द डीजल लोकोमोटिव्स आर नॉट अलाउड वेयर परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इज मोर देन 1.25 मीटर इन जनरल बॉडी ऑफ एयर। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में जहाँ पे इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 1.25 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम डीजल लोकोमोटिव यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, एग्जॉस्ट कंडीशनर ऑफ डीजल इंजन इन इंक्लूडिंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन। एग्जॉस्ट ऑफ डीजल इंजन इंक्लूड ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन अदर एल्डिहाइड्स विच स्मेल बैडली एंड कॉजेज ऑफ इरीटेशन ऑफ नॉइस। ठीक है, जो डीजल लोकोमोटिव से एग्जॉस्ट होते हैं, जो बाहर गैसेज निकलती है, उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड्स हैं, सल्फर्स हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स हैं, जो कि नॉइस को इरीटेट कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मेल भी करते हैं, इरिटेशन भी कर सकते हैं आइस को और सब। ठीक है, तो इसमें से ये सब गैसेस पॉल्यूटेड गैसेस निकलती हैं। टू रिमूव दिस ऑक्साइड्स एल्डिहाइड्स द लोकोमोटिव्स आर फिटेड विद एग्जॉस्ट कंडीशनर। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको प्योरीफाई करने के लिए जो गैसेस निकलती है एग्जॉस्ट गैसेस, उसके लिए डीजल लोकोमोटिव्स के में ही जो है एक डीजल इंजन के साथ एक एग्जॉस्ट कंडीशनर फिट होता है। ठीक है, जो कि जो गैसेस हैं, जो ख़राब गैसेस हैं, उसको प्यूरीफाई करता है। उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर में, माइंस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें रिलीज करता है। अब इसमें एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ डीजल लोकोमोटिव, चीपर एंड कॉमनली सेल्फ कंट्रोल, एक कम्प्लीटली सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सस्ता होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, यानी एक ड्राइवर बैठ के आपका पूरा डीजल इंजन को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, वहाँ से कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज ऑफ डीजल लोकोमोटिव, अब डिसएडवांटेज भी है इसके, डेंजर ऑफ फायर इन हैंडलिंग द डीजल। ठीक है, तो डीजल जो फ्यूल होता है उसमें खतरा रहता है उसको हैंडलिंग करने में। स्लाइड में देखते हैं क्या और डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। प्रोडक्शन ऑफ पॉइजनस गैसेस, ये पॉइजनस गैसेस जो आप पढ़ चुके हो कौन कौन सी है वो सब प्रोड्यूस करता है। थर्ड है, एड्स हीट द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हीट जनरेट करता है ये। मोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस भी ज़्यादा चाहिए, मोर एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। ठीक है, कभी कभी सिंगल से, दो से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ती है उसको मेंटेनेंस के हिसाब से। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बैटरी लोकोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक वायर लोकोमोटिव्स। अब देखते हैं एग्जॉस्ट कंडीशनर जो उसके साथ में लगा होता है उसका क्या वर्किंग होती है, क्या होता है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देख लेते हैं। द एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम द इंजन स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन चैम्बर ए। एग्जॉस्ट कंडीशनर जो लगा रहता है उसमें तीन चैम्बर होते हैं। ठीक है, ए बी
और सी चैम्बर होता है। तो जो गैसेस निकलती है एग्जास्ट डीजल इंजन से, वो क्या करती, पहले पहले जाती है चैम्बर ए में, ठीक है। चैम्बर ए में क्या होता है, वाटर भरा रहता है, वाटर से फिल होता है, तो ये वाटर सरफेस पर स्ट्राइक करती है गैसेस, यानी वाटर में डाइल्यूट होने की कोशिश करती है। दिस ट्रैप हॉट पार्टिकल्स एंड वॉशेज आउट द सल्फर एंड एल्डिहाइड। अब ये जो वाटर होता है हॉट पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच लेता है, ट्रैप कर लेता है और बाहर बाहर निकाल देता है, पानी के थ्रू ये बाहर निकल जाती है। उसमें क्या निकलता है बाहर, इसमें सल्फर और ऑक्साइड एल्डिहाइड, सल्फर ऑक्साइड और एल्डिहाइड मिक्स होके बाहर निकल जाते हैं, यानी चैम्बर ए में ये हो जाता है। द गैसेस देन राइज थ्रू द फ्लेम प्रूफ स्लैग वूल, स्लैग वूल विच इज कीप्ड मॉइस्ट बाई वाटर, देयर आफ्टर पासेस टू सेकेंड चैम्बर, ठीक है। अब ये जो इसमें क्या है, पानी चैम्बर ए है, इसमें हॉट वाटर है, यानी पानी निकल रहा है, यानी हॉट है, बॉयल होता हुआ पानी, तो इससे गैसेस राइज होगी, ठीक है। जो तो जो गैसेस राइज होती हैं वो क्या करती हैं, इसमें एक फ्लेम प्रूफ स्लैग लगा हुआ है, वूल का कपड़े का लगा हुआ है, जो कि मॉइस्चर को सोख लेता है वाटर के थ्रू, और ये पास कर देता है इस गैस को, कहाँ पास कर देता है, सेकेंड चैम्बर में, चैम्बर बी में, ठीक है। चैम्बर ए में भी गैसेस आई थी और फिर वो प्यूरीफाई होके एल्डिहाइड्स और सल्फाइड जो है प्यूरीफाई होके अलग हो गए और ये सेकेंड चैम्बर में चली गई गैसेस। सिमिलर चैम्बर बी वेयर गैसेज आर फर्दर कूल्ड एंड फिल्टर्ड बिफोर पासिंग थ्रू द फ्लेम ट्रैप, ठीक है। अब ये क्या होता है, चैम्बर बी में आके गैसेस फिर से वही प्रोसेस होती है, कूल होती है और फिर से फिल्टर होती है गैस, वही प्रोसेस होती है, पानी है वहाँ पर भी, ठीक है ठीक है। तो और ये फ्लेम ट्रैप को पास हो जाती है, फ्लेम ट्रैप अरेस्टर, एक फ्लेम ट्रैप अरेस्टर लगा हुआ है, कॉन्सिस्ट ऑफ रिमूवेबल स्टेनलेस स्टील प्लेट्स 1/2 यानी 0.5 मिलीमीटर की अपार्ट, एक दूसरे से अपार्ट, जो उसके छेद हैं जो 0.5 मिलीमीटर के जो है उसमें छेद बने हुए हैं। ये फ्लेम ट्रैप अरेस्टर होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, जो कि अगर कुछ फ्लेम जनरेट हो रही है तो उसको जनरेट होने नहीं देता है। फाइनली गैसेज मिक्स विथ अबाउट 30 to 40 times देयर वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर बिफोर एंटरिंग द एटमोसफियर। अब ये फ्लेम ट्रैप अरेस्टर से गैसेस रिलीज होती हैं और एटमोसफियर में जाती हैं, लेकिन ये जो है आप देखेंगे ऊपर साइड में जो है एक फ़ैन लगा हुआ है, फ्रेन इस फ्लेम के थ्रू जो है एग्जॉस्ट फैन लगा, उससे प्योर एयर निकल रही है, प्योर एयर जो आ रही है अंदर खींच रहा है ये, ठीक है। ये जो एग्जॉस्ट फैन है वो बाहर से प्योरीफाई एयर जो है, यानी फ्रेश एयर जो उसको खींच रहा है, और ये जो है इस चैम्बर में जो गैस निकली है, ठीक है, फ्लेम ट्रैप अरेस्टर से जो गैस रिलीज हुई है उसके साथ मिक्स हो जाती है। 30 to 40 times जो वॉल्यूम है उसका, जो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है उसके साथ, फ्रेश एयर के साथ मिक्स हो जाती है और फिर फाइनली जो है एटमॉस्फेयर में जो है उसमें रिलीज़ हो जाती है। ओके, तो इस तरह से इसका वर्क होता है, पहले चैम्बर ए में गया, चैम्बर ए से प्योरीफाई हुआ वाटर के थ्रू, फिर चैम्बर ए बी में गया, चैम्बर बी में भी सेम प्रोसेस होती है, ठीक है, और फिर फाइनली एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। इन चैम्बर ए वाटर लेवल इंडिकेटर इज इंस्टॉल्ड इन सच ए वे दैट इफ वाटर लेवल फॉल्स बिलो द सर्टेन लेवल द ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली एंड, ठीक है। यानी कि इसमें एक वाटर लेवल चैम्बर ए में क्या रहता है, वाटर लेवल को चेक करने के लिए इंडिकेटर लगा रहता है, यानी वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रहना चाहिए क्योंकि पानी बॉयल हो रहा है, बॉयल होने से पानी का लेवल डाउन होता है, ठीक है। तो इसके लिए वाटर लेवल के लिए इंडिकेटर लगाओ, जैसे ही कम हुआ वाटर रिलीज हो जाता है और पूरा
फेल हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है उसमें, तो कट ऑफ हो जाता है ब्रेक से, ठीक है। एग्जॉस्ट कंडीशन शुड बी रिप्लेस बाय द क्लीन सेट आफ्टर एवरी 24 आवर। एग्जॉस्ट कंडीशनर शुड बी रिप्लेस बाय क्लीन सेट आफ्टर एवरी 24 आवर, यानी हर 24 घंटे में जो एग्जॉस्ट कंडीशनर को अपन को इसमें लगा हुआ है जो, उसको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है, उसको क्लीन करना पड़ता है।